दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार, मेरा नमस्कार और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से जेपीएससी को लेकर के बहुत सारे विवाद पैदा हुए हैं। एक तरफ दीपावली है, दूसरी तरफ जेपीएससी के कैंडिडेट्स के दिलों में आग लगी पड़ी है। और विवाद क्यों है, आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर आ रहे हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया साइट्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह पे यही चर्चा है कि जेपीएससी ने आखिर एग्जाम कंडक्ट कराया तो तरीके से क्यों नहीं कराया। अब धीरे धीरे मामला इतना गहराते जा रहा है कि अब राजनीति भी होने लगी है। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां भी इस पर आवाज़ उठाने लगे हैं और सरकार को और जेपीएससी को कोसने लगे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार कह रही है कि हमने जेपीएससी कंडक्ट कराया और रिजल्ट भी निकलवा लिया, दूसरी तरफ ओपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि भाई आपने एग्जाम कंडक्ट कराया, लेकिन तौर तरीके से क्यों नहीं कराया, इसमें तो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। आपने हड़बड़ी में रिजल्ट प्रकाशित क्यों की, पहले तो आप जांच कर लेते। आप सभी जानते हैं कि साहेबगंज, लातेहार और लोहरदगा, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पे एग्जाम सेंटर्स से बहुत सारे कैंडिडेट्स पास कर गए हैं, विशेषकर क्रमवार रोल नंबर वाले पास कर गए हैं। लगभग ऐसे 33, कोई 33 बता रहा है, लेकिन मैं जब काउंट किया मैंने तो मुझे 40 मिले ऐसे रोल नंबर जो क्रमागत थे, बैक टू बैक। और अन्य जगह पे देखें तो वहाँ पे भी 2-3 रोल नंबर ऐसे थे जो क्रमागत थे। और कुछ कैंडिडेट्स का यूट्यूब में कमेंट भी आ रहा है कि हजारीबाग के सेंटर्स भी ऐसे थे जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले, मतलब पेपर बटने से पहले जो पैक ऑफ पेपर रहता है वो सील्ड होना चाहिए, हालांकि इनविजिलेटर ने उसको सील्ड नहीं दिखाया और वो पहले से फटे हुए थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं। उसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर्स की मैं कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहा था, जैसे जेपीएससी कंट्रोवर्सी को लेकर के कुछ न्यूज़पेपर्स अलग अलग न्यूज़ छाप रहे हैं और सभी में ये फोकस सभी का है कि जेपीएससी में लीक हुई है। मतलब ओवरऑल कहने का यही मतलब था। जी न्यूज़ ये कह रहा है, जी बिहार और झारखंड की जो जी न्यूज़ है, ये चैनल कह रहा है जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों पर विवाद, बीजेपी ने की जांच की मांग। फिर अगला न्यूज़पेपर का मैं आपको हेडलाइन सुनाता हूँ, यह है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने कहा, विवाद से दूर, आयोग ने जारी किए डेट, मतलब मेंस पेपर के डेट जारी कर दिए। डेट हालांकि जारी नहीं किए हैं, लेकिन मंथ का नाम बता दिया कि किस महीने ये कंडक्ट कराना है। फिर कहा, डिटेल कार्यक्रम की घोषणा जल्दी। आपने ज़रूर देखी होगी जेपीएससी की साइट पर, मैं लगातार विजिट कर रहा हूँ कि क्या अपडेट आ रहे हैं। जेपीएससी जो कैंडिडेट्स का आरोप है उसको संज्ञान में ले रही है, नहीं, इसको लेकर के मैं बहुत चिंतित रहा हूँ और हमेशा ही जेपीएससी के वेबसाइट पर मैं लगातार विजिट करते रहता हूँ। फिर प्रभात खबर की न्यूज़ छपी, ये कह रहा है जेपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर, इस दिन होगी परीक्षा, पीटी परीक्षा विवाद पर लिया संज्ञान। अब क्या संज्ञान लिया ये हम बाद में चर्चा करते हैं। फिर दैनिक जागरण का न्यूज है, ये कहता है जेपीएससी पीटी गजब, जेपीएससी पीटी में लगातार क्रमांक से कई अभ्यर्थी पास, उठ रहे हैं सवाल। फिर दैनिक जागरण का और एक न्यूज छपी थी कुछ दिन पहले,
मतलब हाँ कल छपी थी, उसमें कहा था जेपीएससी पीटी में सेटिंग गेटिंग, लगातार क्रमांक वाले 18 अभ्यर्थी पास, रिजल्ट पर उठ रहे सवाल। फिर प्रभात खबर, इसकी न्यूज छपी, ये कह रहा है क्या जेपीएससी पीटी का रिजल्ट होगा रद्द। फिर फंसा विवादों में। चलिए ये तो बात हुई न्यूज़पेपर क्लिप्स की, मतलब हर न्यूज़पेपर में यही कहा जा रहा है कि जेपीएससी पीटी रिजल्ट को लेकर के कुछ गड़बड़ियां हैं, मतलब ओवरऑल एग्जाम कंडक्ट कराने में ही गड़बड़ी हुई है। या तो हो सकता है पेपर लीक के मामले सामने आए होंगे, पेपर लीक हुआ होगा, है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो एक ही एग्जाम सेंटर के हैं, साहेबगंज, लातेहार और लोहरदगा। आप जरा सोचिए कि जब से एग्जाम कंडक्ट कराया है जीपीएससी ने, मतलब अब तक लगभग 7 एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है पीटी को लेकर, अब पीटी को इंक्लूड करके, क्योंकि 7th जेपीएससी का तो सिर्फ पीटी ही कंडक्ट हुआ है, अभी मेन मेन एग्जाम होना बाकी है जो शायद जनवरी में हो। तब से जेपीएससी किसी ना किसी चीज़ को लेकर के हमेशा विवादों में फंसा है। कोई भी ईयर ऐसा ना रहा हो कि नीट एंड क्लीन तरीके से जेपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, आज तक हमेशा कोई ना कोई विवाद इस पर जरूर रहा है। अब विश्लेषण करने की बात यह है कि आप जरा सोचिए, पहले जो स्कूलों में होता था कि एक कक्षा के विद्यार्थी हैं तो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि सबको पास कराना है, और टीचर भी डरते थे हायर अथॉरिटीज से कि अगर मेरे स्टूडेंट्स पास नहीं कर गए तो ब्लेम मेरे ऊपर लगेगी, इसलिए वो सारे विद्यार्थियों को पास कर देते थे। तो जेपीएससी अभी ऐसा क्यों कर रही है कि सबको पास कर दो, मेरे सेंटर में एग्जाम फलाना सेंटर में, फलाना एग्जाम सेंटर में कैंडिडेट्स बैठे हैं उनको सबको पास कर दो, ये है क्या? ये सरासर बहुत गलत है। और ऐसे संभव ही नहीं है दोस्तों कि क्रमवार रोल नंबर वाले पास कर जाएं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 40-50 कैंडिडेट्स ऐसे पास कर गए हैं, और जेपीएससी कह रहे कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, संयोग हो सकता है, ये कैसे संभव है? संयोग से तो 5-10 लोग पास करें तो ये संयोग हम मान सकते हैं, लेकिन 35, 36, 40, 50 कैंडिडेट ऐसे पास कर जाएं लगातार क्रमागत रोल नंबर वाले, तो ये संयोग नहीं, ये साजिश है, ये गलत है, ये इनजस्टिस है। तो दोस्तों हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होता है, पूरे स्टेट का भी नुकसान हो जाता है, स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी बनती है उसका नुकसान होता है, स्टेट के डेवलपमेंट पर नुकसान होता है, स्टेट के कार्यान्वयन योजनाओं के कार्यान्वयन पर नुकसान होता है। सरकार योजनाएं बनाती है, उसका कार्यान्वयन ये अधिकारी ठीक से कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों, जो नकल करके पास करेंगे। सिर्फ पीटी में ही नहीं हो सकता, मेंस में भी नकल हो, इसीलिए सोचने की जरूरत है। इसी को लेकर के अब कुछ छात्र नेता, मनोज कुमार एक छात्र नेता हैं जिन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है अपने साथियों के साथ जेपीएससी के गेट पर मोरहाबादी मैदान में। तो हर जगह पे अब प्रदर्शन होना चाहिए और सरकार की आंखें खोल देनी चाहिए, क्योंकि सरकार इतना विवाद पैदा होने के बावजूद सरकार मेंस एग्जाम का डेट बता रही है कि जनवरी में होगा, ये तो गलत है। इसका मतलब यही है कि ना जेपीएससी ना सरकार सुन रही है अभ्यर्थियों की आवाज़। अभ्यर्थी तो परेशान है, अब जो टैलेंटेड बंदे हैं वो पास नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
भविष्य खराब कर रही है जेपीएससी और सरकार। इसलिए हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जेपीएससी की आंखें कभी नहीं खुलेंगी, ना सरकार की आंखें खुलेगी। इसलिए हमारा और आपका कर्म परम कर्तव्य है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए और इस तरह का फ्रॉड नहीं होने देना चाहिए। ये भ्रष्टाचार है, घोटाला है, घपला है, सेटिंग गेटिंग है। तो इस तरह का गलत कभी ना हो स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर भी ना हो। इसलिए मुझे और आपको कलेक्टिवली वॉइस उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए और न्याय उनको मिले जो टैलेंटेड बनते हैं, जो इस पोस्ट के, जेपीएससी छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं है, जेपीएससी के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, जो इस स्टेट का इस स्टेट की दिशा और दशा तय करते हैं, सरकार के योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं। अगर ऐसे जो पढ़े लिखे ना हो, नकल करके पास करके जाएं, ऑफिसर बने, तो ऐसे में तो स्टेट का भविष्य खतरे में है। मेरा भविष्य खतरे में, आपका भविष्य खतरे में है और पूरे स्टेट का भविष्य खतरे में है, क्योंकि ऐसे अधिकारी स्टेट का भला नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी झोली भर सकते हैं। फिर कुछ राजनीति भी हुई है इसमें, जैसे बीजेपी के नेता आप सभी जानते हैं सीपी सिंह जी, तो उन्होंने भी कहा है कि जेपीएससी की कार्यशैली हमेशा विवादों में रही है, इस बार तो हद होगी। एक दो कमरे के सभी परीक्षार्थी पास हो गए, ये सीपी सिंह का स्टेटमेंट है। वहीं कांग्रेस ने फिर इसमें राजनीति की है। कांग्रेस ने कहा है कि ये संयोगवश है, मतलब ये फॉर्चुनेट है, मतलब ये कोइंसिडेंस है, मतलब जेपीएससी का बचाव कर रही है और कांग्रेस का बचाव, ये सरकार का बचाव कर रही है। तो हमें इस तरह की राजनीति के राजनीति से परे उठना है दोस्तों, और हमें एक कलेक्टिव तरीके से आवाज़ उठानी होगी, प्रदर्शन करना होगा और बंद करना होगा स्टेट को, ताकि सरकार की आंखें खुली और हमारे साथ न्याय हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जितना हो सके वीडियो को फैलाइए और इस बात का प्रचार करिए कि जेपीएससी के खिलाफ, सॉरी अभ्यर्थियों के खिलाफ, वो भी काबिल अभ्यर्थियों के खिलाफ, टैलेंटेड अभ्यर्थियों के खिलाफ ये नाइंसाफी है। उनको नज़रअंदाज किया गया, उनके टैलेंट को नज़रअंदाज किया गया, उनकी उपेक्षा की गई है, जो वास्तव में हक रखते हैं उनकी उपेक्षा हुई है। इसलिए दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी हर सोशल मीडिया साइट पर एग्ज़ाम को रद्द किया जाए इसको लेकर के पोस्ट करें, ट्विटर में करें, फेसबुक में करें, यूट्यूब में करें, व्हाट्सएप पे करें, हर जगह ये फैलाना चाहिए कि सरकार पर दबाव बढ़े, जेपीएससी पर दबाव बढ़े और एग्ज़ाम को कैंसिल करा के रिकंडक्ट कराए, ताकि हम सभी को न्याय मिल सके, स्टेट को न्याय मिल सके और पूरी जनता को न्याय मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जोहार।